सामने ये बोट आप देख रहे हैं ये आ रही है अब दूसरे किनारे से इस तरफ और फिर हमें ये लेकर जाएगी दोबारा उस तरफ। और ये एक्चुअली वही ब्रिज है जहाँ से पहले के समय में बद्री केदारनाथ की जब पैदल यात्रा की जाती थी तो यहीं से लोग जाते थे। और ये देखिए इतनी बड़ी घंटी इन्होंने बजाई अभी 130 केजी की है ये खुद लेकर आए इसलिए इन्हें पता है कितना वजन है इसका। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आप राफ्टिंग शुरू हो गई है क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। बहुत भीड़ देखी हमने। अभी हम शिवपुरी से थोड़ा और आगे आ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि आप हमेशा ऑप्शन ढूंढते हैं जब ऋषिकेश की तरफ आते हैं कि अगर हमें माँ गंगा के किनारे रहने का मौका नहीं भी मिले एटलीस्ट हमें व्यू मिल जाए, लेकिन हमने क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आपको पहले दिखाए हैं, आज हम एक ऐसी ऑफबीट लोकेशन या आप कह सकते हैं हिडन लोकेशन हम दिखाने जा रहे हैं जो बिल्कुल माँ गंगा के तट पर है। यहाँ पर कैंप्स भी हैं, कॉटेजेस भी हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन देखिए बहुत सुंदर यहाँ से माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं, तो पहले दर्शन कीजिए और फिर चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर शेरपा। ऋषिकेश से एग्जैक्ट 30 किलोमीटर्स हम लोग आए हैं आगे। सिंगटाली इस जगह का नाम है और लैंडमार्क की आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऋषिकेश ताज जस्ट यहाँ से 100 मीटर्स आगे है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऋषिकेश ताज से जस्ट पहले शेरपा है। इसका जो नीचे जाने का रास्ता है वो मुझे बहुत पसंद है। पहले भी हम इस जगह पर आए हैं और लेकिन दोबारा आने का कारण यही है क्योंकि लास्ट ईयर हम आए थे और एक साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन बहुत अच्छा है, टैरिफ भी चेंज होता है लेकिन साथ में कुछ सर्विसेज भी ऐड होती हैं, तो क्या चेंजेस आए हैं वो तो हम आपको नीचे जाकर बताएंगे। लेकिन यहाँ जो नीचे जाने का रास्ता है वो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, आपको दिखाते हैं। बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि फुली एडवेंचरस है ये। तो देखिए गाड़ी आप पार्क करते हैं वहीं पर मेन रोड पर, सेफ़ है वैसे क्योंकि काफ़ी जगह अलग से है। इस तरह से आप जो रास्ता देखेंगे ये स्टीप है लगभग 200 मीटर और उसके बाद टोटल जो ये रास्ता है 650 मीटर, तो इस 650 मीटर को आप एंजॉय करते हुए चलिए। साथ साथ गंगा जी के दर्शन होते रहते हैं आपको। तो देखिए लगेज असिस्टेंस आपको मिल जाती है, आप ऊपर ही इनको कॉल कर देते हैं तो लड़के आ जाते हैं आपका लगेज लेने के लिए। रास्ता सीरियसली बहुत ही इंजॉय करते हैं बच्चे भी, यंगस्टर्स भी, इवन कुछ तो सीनियर सिटीजन भी जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आना। हाँ, जिनको ओरिजिनली कुछ प्रॉब्लम है चलने में या कई बार घुटनों में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज़ इट्स रियली ब्यूटीफुल क्योंकि ऐसी एक्सट्रीम लोकेशन के लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है। तो हमने स्टीप रास्ता आप पीछे छोड़ दिया है और अब हम आ गए हैं नॉर्मल रास्ते पर और गंगा जी हमारे बहुत पास हमें दिखती जा रही हैं अब। तो देखिए हम पहुंच गए हैं इतने सुंदर बीच पर क्योंकि हमारी साइड भी बस हमें दिख गई है यहाँ से, लेकिन उससे पहले हमें दिखता है ये सुंदर बीच और माँ गंगा के इतने सुंदर दर्शन। लेकिन मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ यहाँ पर गंगा जी में वो नहा रहे हैं। ऐसी एक्सट्रीम लोकेशंस पर इवन रास्ते में भी हमने देखा लोग सेल्फीज़ ले रहे थे। ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही जल्दी ये जानलेवा भी हो सकती हैं अगर आप ध्यान ना रखें। तो देखिए सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी लोकेशन पर, ऐसी लोकेशंस पर अगर जाएं, असिस्टेंस लेकर जाएं क्योंकि आसपास जो भी जहां आप स्टे कर रहे हैं, रिजॉर्ट्स में, होटल्स में, उनको पता होता है कि क्या चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। कई बार पीछे से फ़्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पत्थर लूज़ हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही जो सोशल मीडिया में आजकल मैंने देखा है बच्चों को बहुत क्रेज़ी हो गया है सेल्फीज़ के लिए, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि हमारी लाइफ बहुत प्रीशियस है। देखिए नेचर के बीचों बीच आपको इस तरह का रिजॉर्ट मिले तो क्या बात है। इस जगह की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर यहाँ खड़े होकर भी माँ गंगा की इतनी आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई देती है आपको। और ये रिजॉर्ट देखिए बिल्कुल ताज के नीचे है, हमें ताज की बिल्डिंग यहाँ से नज़र आ रही है। बहुत खुले खुले इनके कॉटेजेस हैं यहाँ पर, और कुछ डिफरेंट कॉटेजेस हैं, कुछ एसीज़ हैं, और ये साथ में आप स्विस कैम्प्स जो देख रहे हैं ये नॉन एसीज़ हैं लेकिन विद अटैच वॉशरूम है। तो अंदर से किस तरह के हैं चलिए देखते हैं। वाओ, देखिए यहाँ पर बैठकर इतनी ठंडी हवा लग रही है और सामने देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा। वैसे तो देखिए सारे ही जितने कॉटेजेस हैं अगर आप बाहर निकलेंगे तो गार्डन से आपको गंगा जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन ये कॉर्नर कॉटेज जो हमें दिख रहा है इसमें विंडो भी दी हुई है जिसमें से आपको अंदर से भी गंगा जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन इट्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। और सारे ही कॉटेजेस के बाहर देखिए इस तरह से सिटिंग है, बहुत सुंदर सुंदर एंट्रेंस है जो गार्डन इस अलग से छोटे छोटे बनाए हुए हैं इन्होंने। एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल कॉटेज, 3 लोगों की बेडिंग दी हुई है और उसके बाद भी काफ़ी स्पेस बच जाता है इसमें। एसी है, एक विंडो इधर है एक विंडो इधर है जहाँ से आपको गंगा जी के दर्शन होते हैं। काफ़ी बड़ा विंडो है, यहाँ से हवा भी बहुत अच्छी आ रही है। ये प्रॉपर सिटिंग है और ये लगेज रैक है, ये बहुत अच्छा है। जनरली हम कैंप्स में लगेज रैक मिस करते हैं। साथ में अटैच वॉशरूम है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, गीज़र भी लगा हुआ है तो विंटर्स के लिए ये भी आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है। ओके, इसमें शावर जेल, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, ग्लिसरीन सोप, ये पूरा किट है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड इवन क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। देखिए तो आप यहाँ पर आएंगे, क्रिकेट खेलिए, डार्ट भी है यहाँ पर, बैडमिंटन है, बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी। जिस तरह से कॉटेजेस के बीच बीच में ये इस तरह के बड़े बड़े पेड़ हैं, देखिए मुझे यहाँ इसके नीचे खड़े होकर इतना अच्छा लग रहा है, इतनी ठंडक मिल रही है, पेड़ सच में बहुत सुकून देते हैं। चलिए एक और कॉटेज आपको दिखाते हैं यहाँ पर, इस तरफ वाला। डिफरेंस तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है इसमें, इवन यहाँ पर भी विंडो है तो बहुत अच्छा व्यू आपको मिलेगा। बेडिंग मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत कंफर्टेबल है, इवन ब्लैंकेट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसमें भी एसी है तो सारी चीज़ें, बाकी एमिनिटीज सेम है, अटैच वॉशरूम। तो हमने आपको एसी कॉटेजेस दिखाए हैं अभी, अब हम आपको इनके स्विस टेंट दिखाते हैं। टेंट्स के बाहर ये वाला जो स्पेस इन्होंने बनाया हुआ है बहुत अच्छा है, इवन यहाँ बैठकर ठंडी ठंडी हवा लग रही है। स्टोन्स बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे ये, आइए अंदर से देखते हैं। वाह, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है मुझे क्योंकि नीट एंड क्लीन बेडिंग है यहाँ पर और बहुत कंफर्टेबल, क्योंकि मैट्रेस देखिए काफ़ी ऊंचा मैट्रेस है ये। और यहाँ पे इन्होंने कूलर दिया है, हालांकि यहाँ पर वेदर हमेशा ऐसे रहता है कि आपको ठंडी हवा तो लगती ही है। इनफैक्ट यहाँ का इसका वॉशरूम भी स्पेशियस है। तो हमने आपको देखिए अकोमोडेशंस दिखा दी है, टैरिफ अभी बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इन हाउस तो हैं ही, साथ ही आपको राफ्टिंग, यहाँ पर इनका राफ्टिंग ऑफिस ऋषिकेश में है, तो आपको ये शिवपुरी से ऋषिकेश तक आप राफ्टिंग करके जाते हैं, वहाँ पर ऑफिस में आपको चेंज करने की भी फैसिलिटी दी जाती है, आप अपने कपड़े चेंज वहाँ पर कर सकते हैं और फिर वहाँ से आपको ये बाय कार वापस ले आते हैं। इसके अलावा यहाँ से अभी हम, क्योंकि कुछ ट्रैक्स इन्होंने हमें बताए हैं, दूसरी तरफ एक आश्रम भी है जहाँ पर ये बाय बोट आपको लेकर जाते हैं, 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज इन्होंने बताया है। हम भी वहाँ चलते हैं अभी बोट से और आपको दिखाते हैं किस तरह का आश्रम है। इन हाउस आपको टेम्पल भी मिल जाते हैं, आप यहाँ पर पूजा भी कर सकते हैं। वाह, देखिए यहाँ बीच पर वॉलीबॉल खेलिए, कितना मज़ा आएगा आपको। बीच वॉलीबॉल जगह मिल गई है, यहाँ पर कोर्ट बनाया है पूरा। तो सामने ये बोट आप देख रहे हैं, ये आ रही है अब दूसरे किनारे से इस तरफ और फिर हमें ये लेकर जाएगी और दोबारा उस तरफ। तब तक हम गंगा जी के पास बैठ जाते हैं। जैकेट्स पहनकर हम लोग हो गए हैं रेडी चलने के लिए। चलिए भैया, तो यहाँ से हम ट्रैक करके जाएंगे। नंदेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन इस ट्रैक का नाम है बंदर चट्टी। गंगा जी के किनारे इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन कैंप साइट्स के मैंने आज तक नहीं देखी है, क्योंकि बहुत सारे कैंप साइट्स घट्टू घाट की साइड पर है, जहाँ पर कहते हैं नदी किनारे है, एक बरसाती नदी वहाँ चलती है, लेकिन आई थिंक इतना सा पानी होता है उसके अंदर। यहाँ गंगा जी के तट पर आपको इतनी सुंदर लोकेशन मिलती है। सामने रिजॉर्ट दिख रहा है और उसके जस्ट पीछे आपको ताज दिख रहा है। इट्स जस्ट अमेजिंग। हम पहुँच गए हैं इस ब्रिज पर, ये हमें दूर से दिख रहा था अपने रिजॉर्ट से, और ये एक्चुअली वही ब्रिज है जहाँ से पहले के समय में बद्री केदारनाथ की जब पैदल यात्रा की जाती थी तो यहीं से लोग जाते थे। आज भी साधु संत लोग इसी मार्ग को यूज़ करते हैं। यहाँ ऊपर ही है नंदेश्वर महादेव का मंदिर और नीचे ये पूरा आश्रम बनाया हुआ है, साधु लोग रहते हैं यहाँ पर। बंदर चट्टी आश्रम है इसका नाम। और यहीं से ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ से वाटरफॉल, हमें इन्होंने बताया है कि बहुत सुंदर वाटरफॉल आपको मिलता है। तो बहुत बेसिकली यहाँ पर ऐसी जगह है कि आप यहाँ पर आए, ट्रैक करें, और इतनी सुंदर जगह पर देखिए आप टाइम स्पेंड तो कर ही सकते हैं। और देखिए आश्रम में हमें सबसे पहले मंदिर के जस्ट सामने रुद्राक्ष का पेड़ मिला है, जिसमें रुद्राक्ष लगे भी हुए हैं, अभी कच्चे हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। हर हर महादेव, ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर देखिए बेलपत्र का पेड़ भी मिल गया मुझे। और ये देखिए इतनी बड़ी घंटी इन्होंने बजाई अभी, 130 केजी की है ये खुद लेकर आए, इसलिए इन्हें पता है कितना वज़न है इसका। बहुत सुंदर। आश्रम्स में जैसे तो जब भी हम जाते हैं तो बड़ी शांति फील होती है, लेकिन यहाँ पर शांति तो है ही, साथ ही जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो आपको यहाँ पर फील हो रही हैं। मेरा मन कर रहा है मैं यहीं बैठ जाऊँ थोड़ी देर। ये मुझे सेल्फी पॉइंट के लिए बहुत अच्छा लग रहा है प्लेस, लेकिन यहाँ से वॉक करते करते आप आगे वहाँ बीच तक जा सकते हैं जो दिख रहा है हमें, और वहाँ पर भी आपको बोट पिक करने आ सकती है, तो वहाँ से क्रॉस करके फिर आप वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ से वापस जाएंगे क्योंकि हमने आज काफ़ी ट्रैक कर लिया है। ओहो, आंधी, इतनी तेज़ हवा। तो हम देखिए बोट राइड करके हम वापस आ गए हैं अपने रिजॉर्ट में, और यहाँ पर ये कैफेटेरिया एरिया है। बेसिकली इसको एज अ कॉन्फ्रेंस रूम भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर स्क्रीन सब लगा दी जाती है। टीटी हमें दिख रहा है सामने, तो आप टीटी भी खेल सकते हैं। फूड हमारा रेडी हो गया है तो लंच करते हैं, लेकिन हम लंच करेंगे बाहर बैठ कर। यहाँ पर हमें मिल गया है बॉनफायर एरिया, तो यहाँ बैठकर आप रात को एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए इतनी ब्यूटीफुल जगह पर अगर आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस क्रिएट करना है तो उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं टैरिफ क्या पे करना पड़ेगा आपको। अगर आप एसी कॉटेजेस लेते हैं तो 3,500 रुपीज़ पर पर्सन यानी कि 3500 रुपये आपको एक आदमी का देना पड़ेगा, जिसमें आपको तीनों टाइम का मील मिलेगा, साथ में आपको स्नैक्स मिलेंगे। फूड क्वालिटी इज़ एक्चुअली गुड, अभी आपको हम दिखाएंगे क्योंकि जैसा कि हमें बताया है। लेकिन अगर आप नॉन एसी स्विस टेंट्स लेते हैं तो 2,500 यानी कि 2500 रुपये आपको पर पर्सन पे करना पड़ता है, जिसमें आपको सारे मील्स मिलते हैं। और जैसा कि फैमिली अगर आती है तो आपको यहाँ पर चाइल्ड पॉलिसी हमें इन्होंने बताया है अप टू 8 ईयर्स फ्री है, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, 8 साल से 14 साल तक के बच्चे का आपको 50% पे करना पड़ता है और 14 ईयर्स के बाद तो अडल्ट में ही काउंट होता है, उनका आपको पूरा पे करना पड़ेगा। बेस्ट डील्स के लिए आप इन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और साथ ही ओटी एक्सपर्ट का 10% डिस्काउंट हमने इनको बोल दिया है। जो भी आप रेफरेंस देंगे इन्हें कि आप ओटीए का वीडियो देख कर आए हैं, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। हम खाना बाहर खाने वाले थे लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, हमें लगा कि हमें यही खाना चाहिए। और यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म डिलीशियस फूड आ गया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, रुका नहीं जा रहा है। दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, रायता, सैलड, राइस, रोटी, वाह। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि ये जो प्लेट्स हैं ना, ये हमारी फेवरेट प्लेट्स होती हैं। हमारे घर में ये इन्हीं प्लेट्स में खाना खाते हैं, स्पेशली लेके आए थे क्योंकि इसमें ये बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं, सारी चीज़ें एक ही प्लेट में आ जाती हैं। आप इसको बस आप वैसे कहीं भी इसको रख के खा सकते हैं। तो चलिए हम भी खाना शुरू करते हैं। खाना खा के मज़ा आ गया, सच में ओवर ईटिंग हो गई। अभी ऊपर भी जाना है हमें, वापस हजम हो जाएगा, इसीलिए हमने ज़्यादा खा लिया। मैंने जैसे ही खाना फिनिश किया, यहाँ पे हमें इतनी सुंदर बर्ड दिखी, किंग फिशर था। और लेकिन जैसे ही हम पास जाने लगे तो वो उड़ गया। बहुत सुंदर, यहाँ पर बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं आप। और देखिए इतना अच्छा ऑप्शन आपको दिया है हमने। हो सकता है कई लोगों को प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन देखिए मैं इसको कह सकती हूँ कि आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि इतनी ऊपर से सामान को लाना ले जाना बहुत मुश्किल होता है। लड़के जितनी बार आप चेक इन चेकआउट करते हैं आपको पूरा लगेज असिस्टेंस मिलती है। और जितने भी आप ये कॉटेजेस देख रहे हैं, ब्रिक्स के जो कॉटेजेस हैं, ये खुद बनाते हैं यहाँ पर क्योंकि ऊपर से लाना ले जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता 2500 या 3500 रुपीज़ पर पर्सन अगर आप इंक्लूडिंग ऑल मील्स आपको मिलता है तो ये एक फेयर प्राइस है। बाकी लोकेशन तो है ही अल्टीमेट। इसी तरह के ऑप्शंस देखने के लिए अभी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है। और ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।